मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंडला जिले के दौरे पर रहे। यहां बीजेपी महिला मोर्चा की बहनों ने 11,000 राखियों की डोर से सीएम यादव का स्वागत किया। इस मौके पर पीएचई मंत्री संपतिया उइके ने मुख्यमंत्री की कलाई पर मंडलों की बहनों की ओर से राखी बांधी है। इस दौरान सीएम डॉक्टर यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कई बड़ी घोषणाएं की। सीएम ने कहा कि मंडला को जल्द ही हवाई सेवा से जोड़ा जाएगा और उप तहसील बमनी को तहसील बनाया जाएगा। इसके अलावा सीएम ने यह भी कहा है कि जल्द ही मंडला में मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण होगा और अब प्रदेश सरकार दूध खरीदने पर बोनस देगी। इस मौके पर सीएम ने तिरंगा रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हमारी सरकार ने निर्णय किया है, ये जो वायुश्री सेवा चालू करी है अभी सिंगरौली तक आई है, आने वाले समय में मंडला से भी शुरू करनी जाएगी, मंडला से भी यह हवाई सेवा दी जाएगी। इतना ही नहीं, आपने कहा कि यहां पर उप तहसील है, उप तहसील आपने कहा कि यहां तहसील बनाना है। माननीय फुगेन सिंह जी और माननीय मंत्री जी, अब आपकी बात कैसे काट सकता हूं। इसको तहसील बनाने की घोषणा की जाती है। मुझे बताया गया कि कॉलेज में पीजी की क्लास नहीं है, लेकिन कॉलेज है तो कॉलेज में पीजी की क्लास भी खोलने की घोषणा यहीं से की जाती है। हमने मेडिकल कॉलेज तो यहाँ लोकार्पण करने आने वाले, हमारा प्रयास है आने वाले समय में जैसे गेहूं पे बोनस दिया, धान के ऊपर भी बोनस देने वाली है अपनी सरकार, धान की फसल के लिए भी। और दूध का उत्पादन जो करता है, दूध डायरेक्ट आपके खाते से खरीद के जिनके पास भी जाए, वो कोऑपरेटिव संस्था हो या प्राइवेट व्यक्ति, दूध के ऊपर भी अपनी सरकार बोनस चालू करने वाली है हमारे भाई बहनों के लिए।